सब्सक्राइब कीजिए टेक्निकल ज्ञान चैनल को और बेल आइकन दबाइए लेटेस्ट टेक वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, टेक्निकल ज्ञान में आपका बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं पावर की। तो पावर में मेन तीन चीज होती है दोस्तों, एक होता है वोल्टेज, दूसरा है करंट और तीसरा है वोट। आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि वोट क्या है, करंट क्या है और वोल्टेज क्या है। तो सबसे पहले बात करते हैं वोट की। जैसे कि हमारे घर पे बिजली आती है, उसका वोल्टेज होता है 230 वोल्ट, 220 या 230 वोल्ट, 220 वोल्ट। उसमें करंट कितना आता है? तो करंट अलग अलग टाइप का होता है दोस्तों। जैसे कि घर में कितनी चीज़ यूज हो रही है, कितने एसी चालू है, उसके हिसाब से उसका करंट लोड होता है। नॉर्मली हमारे घर में मैक्सिमम 10 एम्पियर तक करंट आता है। एम्पियर को दोस्तों हम लोग बोलते हैं करंट। तो करंट क्या है, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि एक गाड़ी खड़ी है, उसको आप धक्का दे रहे हो, तो जो आप धक्का दे रहे हो वो है वोल्टेज, और जो गाड़ी चली, उसको धक्का लगा और चली, जो चली उसको समझ लीजिए करंट है। और कहाँ तक चली, कितनी देर में कहाँ तक चली, उसको आप समझ लीजिए पावर। एक किलोमीटर चली, आधा किलोमीटर चली, वो है पावर। आपने धक्का दिया, गाड़ी चली, चली मतलब करंट। तो वोल्टेज का ये काम होता है दोस्तों कि धक्का देना। जैसे ये हमारे घर पर करंट आता है, तो उसको 230 वोल्ट मतलब उसको धक्का दिया वोल्टेज ने। और करंट का काम होता है उसको चलाना, करंट मतलब इलेक्ट्रॉन। तो वोट क्या है, वोट का मतलब है दोस्तों हमने उससे कितना काम करवाया। जैसे कि कई चीज पे लिखा होता है, अपना कंप्यूटर का पावर सप्लाई है या कोई भी चीज, उस पर लिखा होता है 600 वोट। तो वोट मतलब उसका काम है, वो कितना काम कर सकता है इतने करंट में। एम्पियर को हम लोग दोस्तों एम्स भी बोलते हैं। उसका कैलकुलेशन कुछ इस तरह होता है दोस्तों कि एक सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन फ्लो हुए, जितना इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं उसको एक सेकंड में, उसको एक एम्पियर बोला जाता है, एक एम्स। और पावर फ्लो करने में सबसे बेस्ट था तो है वो है कॉपर और गोल्ड। हम लोग वायर में कॉपर ही यूज करते हैं, उसमें आसानी से इलेक्ट्रॉन फ्लो हो सकते हैं और हीट भी कम लेता है और लंबे समय तक वो टिकता है। तो गोल्ड की बात करें तो गोल्ड आजकल हम लोग कनेक्टर में ऊपर का कोटिंग में यूज करते हैं, जैसे कि मोबाइल। और दोस्तों एम्पियर को हम लोग मिली एम्पियर में भी काउंट करते हैं, जैसे कि हमारी मोबाइल की बैटरी है तो कितने एमएच की है। जैसे कि कोई भी सर्किट हो या लैंप हो, आप लोग सीरीज में लगाते हो तो सब में करंट तो सेम जाएगा मगर वोल्टेज डिवाइड होके जाएगा। जैसे कि पहली चीज में जो वोल्टेज मिल रहा है वो लास्ट में नहीं मिलेगा, वोल्टेज डिवाइड हो जाएगा। अगर नॉन सीरीज में आप लोग, नॉन पैरेलल में, नॉन सीरीज में आप लोग कोई भी चीज लगाएंगे, लैंप हो या कोई भी सर्किट बोर्ड हो, तो उसमें वोल्टेज सेम रहेगा मगर करंट डिवाइड हो। तो दोस्तों वोल्ट को हम लोग W में दर्शाते हैं, वोल्टेज को हम लोग V में और करंट को A में। तो दोस्तों वोल्टेज और एम्पियर से किसी भी चीज का हम लोग वोल्ट पता कर सकते हैं। उसका फॉर्मूला कुछ इस तरह होता है, सबसे ऊपर P आता है, फिर I आता है और V आता है। P मतलब दोस्तों पावर, I मतलब इलेक्ट्रॉन और V मतलब वोल्टेज। उसका कैलकुलेशन इस तरह होता है दोस्तों, P इज इक्वल टू I × V। इस तरह आप कोई भी चीज का कैलकुलेशन कर देंगे तो आपको पता चल जाएगा। दोस्तों अगर इंडिया की बात करें तो हम लोग फ्रीक्वेंसी यूज करते हैं 50 हर्ट्ज। दूसरी कंट्री की बात करें तो वहाँ 60 हर्ट्ज भी यूज होता है, और घर के लिए हमें यूज होता है 230 वोल्ट। बाकी कोई कुछ देशों में दोस्तों 110 वोल्ट भी घर में बिजली आती है। तो दोस्तों ये फ्रीक्वेंसी की क्यों हमें जरूरत पड़ती है? जैसे कि डीसी करंट है दोस्तों, उसमें जीरो फ्रीक्वेंसी होती है, उसमें फ्रीक्वेंसी होती ही नहीं, तो डीसी को हम लोग दूर तक नहीं भेज सकते, उसको मैक्सिमम 2 किलोमीटर तक ही भेज सकते हैं क्योंकि उसमें फ्रीक्वेंसी नहीं होती। तो ये करंट दूर तक भेजने के लिए, कई किलोमीटर दूर तक भेजने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं फ्रीक्वेंसी का। फ्रीक्वेंसी होती है तो वोल्टेज ड्रॉप भी नहीं होता और करंट हम लोग बहुत दूर तक भेज सकते हैं।
दोस्तों और एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि साइकिल है, तो साइकिल को आप लोग जो पैदल मार रहे हैं वो है वोल्टेज, और जो साइकिल चल रही है वो है करंट, और जो कितने किलोमीटर तक चली है उसको आप समझ लीजिए पावर। वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि मैं रोज आपके लिए ऐसे ही वीडियो लाता रहता हूँ। फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।